ट्रांसप्लांट के बारे में पढ़ते थे तो डर भी लगता था कि, और मेरा एक फ्रेंड था जो एक साल से गुरुजी को फॉलो कर रहा था, और मैं आई एम सॉरी गुरुजी बट मैं इनका काफी मैं उसको बोलती थी इन सब चक्रों में क्यों तुम पढ़े हुए हो, क्या जरूरत है, यू नो लाइक अपना मतलब ये सब में मत पढ़ो, और पता नहीं कौन है ये. तब तक मुझे नहीं पता था कि गुरुजी ने समाधि भी दी है मुझे. एक दिन बस ऐसे ही मेरी सिस्टर इन लॉ ने बताया कि इन्होंने समाधि ली ली है और बहुत चीज़ें ठीक हो रही है, हम लोग बड़े मंदिर जाएंगे. मुझे कुछ नहीं पता था बड़े मंदिर कहाँ है कैसे है, दिल्ली में रहते हुए भी. मैं एक ऐसे वेकेशन पे गई, वापस आके मंडे को सुबह 7 बजे मैंने अपने फ्रेंड को मैसेज किया कि नेक्स्ट टाइम जब तुम जाओगे तो मुझे ज़रूर लेके जाना, मुझे बस जाना है. क्योंकि उस वक्त घर में सिचुएशन ऐसी थी कि कहीं से भी कुछ भी फेथ मिल जाए था. वो दिन है कि मैं गई और मैंने बस इनको जाके बोला मैं नहीं जानती कि आप कौन है, क्या इतने लोगों को देख के. वैसे ही मैं पहले एम्पायर स्टेट गई छोटा मंदिर और उसके बाद फिर मैं बड़े मंदिर गई, और मैंने इनको बस बोला कि बस अब आप सब ठीक कर दो बिकॉज घर में बहुत बुरी सिचुएशन है, मतलब वी कुड लूज आर डैड ऑल्सो, मतलब डॉक्टर ने हमें बोल दिया था बहुत क्रिटिकल है. 5 महीने पहले मेरी सर्जरी हुई है, मैंने अपने डैड को 70% अपना लिवर दिया है, तो मैं डोनर थी उनके लिए. और अब कोई मुझसे पूछता है क्योंकि काफ़ी लोगों को मैं बताती हूँ उनको यकीन नहीं होता कि 5 महीने पहले इतनी बड़ी सर्जरी हुई है, बट जो कुछ भी ठीक हुआ सब कुछ गुरुजी की वजह से. और मैं मुझे ये याद है कि मैं ऑपरेटिंग थिएटर में भी गई थी तो मैंने उनकी फोटोग्राफ अपने हाथ में रखी हुई थी, और मैंने डॉक्टर को बोला कि बस आप इनकी जो फोटोग्राफ है ये मेरे गुरुजी है, बस मेरे तकिए के नीचे रख दीजिएगा. 15 घंटे का ऑपरेशन होता है जिसमें वो लिवर काटते हैं, और मेरे डैड का पूरा लिवर उन्होंने निकाल लिया था क्योंकि वो बिल्कुल सड़ गया था, तो मेरा लिवर अब उनकी बॉडी में लगा हुआ है. जो सिचुएशन ऐसी थी कि एक दिन ऐसा लगता था कि अब मतलब अगले दिन हम लोग चेक करते थे कि पापा ठीक है या नहीं, क्योंकि रात में तबीयत खराब हो जाती थी. अब इज एब्सोल्युटली ओके, एकदम ठीक है वो, और सब इनकी वजह से है. और मैं ओटी से बाहर निकली तो वो फोटोग्राफ मेरे साथ नहीं थी, और मुझे बहुत बुरी तरीके से एनेस्थीसिया भी दिया हुआ था क्योंकि बहुत मेजर सर्जरी थी. अगले दिन जब मुझे होश आया दोपहर में, जब मेरे को समझ आने लगा, तो मैंने अपने ब्रदर को, वो आईसीयू में सिर्फ आपको 2 बार अलाउ करते हैं अपने फैमिली से मिलने के लिए, तो जब 11 बजे मेरा ब्रदर आया तो मैंने उसको बोला कि मेरी गुरुजी की फोटोग्राफ ऑपरेटिंग थिएटर में रह गई है, मुझे उनकी फ़ोटो चाहिए, मैंने तुम्हारे पर्स में एक फ़ोटो रखवाई थी वो मुझे दे दो. मेरा भाई अभी भी बिलीव नहीं करता गुरुजी में, तो वो फोटोग्राफ जो थी जब उसने अपना पर्स खोला तो लोगों ने रियलाइज़ किया कि वो फोटोग्राफ फेड हो गई है क्योंकि उसके पर्स में पानी चला गया था. तो उसे देखकर मुझे बहुत वो लगा कि मेरे पास फोटोग्राफ नहीं है, तो मैंने कहा ठीक है कुछ नहीं होता, मेरे हस्बैंड आएंगे शाम में मैं उनको बोल दूंगी. मैंने बहुत सारे उनके स्वरूप रखे, मैं हर जगह जाती हूँ मेरे पास स्वरूप उनके भरे रहते हैं कि मेरे को चाहिए वो. शाम में मेरे हस्बैंड आए मुझसे मिलने के लिए, और मैं ये सोच के ही सोई कि गुरुजी मेरे को शाम में ना आपकी फोटोग्राफ वापस चाहिए. और वो जो फोटोग्राफ थी वो यही वाली है, ये मेरी उनकी फेवरेट फोटोग्राफ है. और मुझे यही लग रहा था कि अब ये फोटो मेरे पास कहाँ से आएगी, मैं पूरा टाइम उसके हाथ में रख के ओटी में गई थी. मैं शाम में मैंने अपनी आँख खोली, मेरे हस्बैंड वहीं खड़े हुए थे जहाँ मेरा भाई खड़ा हुआ था, और पहली चीज उन्होंने मुझे बोला कि अरे तुम्हारे गुरुजी तो तुम्हारे पीछे खड़े हुए हैं, और आप बिलीव नहीं करेंगे मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि मुझे लगा कि ये क्या बोल रहे हैं एकदम. और क्योंकि मैं टर्न नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरे स्टिचेस यहाँ पे बहुत बड़े स्टिचेस हैं, तो मैं बिल्कुल मुड़ नहीं पा रही थी, तो मुझे लगा पता नहीं क्या बोल रहे हैं. और एकदम से वो झुके और उन्होंने वो फोटोग्राफ किसी ने मेरे हॉस्पिटल बेड के ऊपर लगाई हुई थी. अब ये बहुत अजीब सी बात है कि क्योंकि सुबह मेरा ब्रदर उधर ही खड़ा हुआ था, उसको वो फोटो नहीं दिखी क्योंकि वो फोटोग्राफ बहुत अच्छे से विजिबल थी, और मेरे हस्बैंड ने मुझे वो फोटोग्राफ दी और वो सेम फोटोग्राफ थी. और वो देख के मेरे को रोना आ गया, और मुझे समझ आ गया कि मेरा और इनका अब बहुत मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है कुछ. मेरे फ्रेंड ने मुझे जो इनको फॉलो करता है वो बहुत बुरी तरीके से मेरे को कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहा था सर्जरी के बाद. मैं उसके फ़ोन नहीं उठा पा रही थी क्योंकि 3 दिन तक मैं आईसीयू में थी. 6th डे मैंने उससे बात करी और उसने मुझे बोला कि जिस दिन तुम्हारी सर्जरी थी उस दिन मुझे सपना आया रात में कि ऑपरेटिंग थिएटर में कुछ बहुत ख़राब हो गया, कंडीशन बहुत क्रिटिकल हो गई, कुछ भी हो सकता था. और तब गुरुजी उसने मुझे कहा, फिर मैंने देखा गुरुजी आए और गुरुजी ने सब कुछ ठीक हो गया. एंड तो सर्जरी कैसे हुई, ठीक है, मैंने कहा हाँ मैं ठीक हूँ. उसके 2 हफ्ते के बाद से मुझे बहुत क्लियरली ये विजन आने लगा, जैसे कि मुझे अभी भी आता है, अभी भी जब मैं सोचती हूँ कि मैं एक ऑपरेटिंग थिएटर में हूँ
और गुरु जी बस खड़े हुए हैं ऐसे जैसे उनका पोस्चर है ऐसे, और मेरे आसपास मुझे डॉक्टर्स दिख रहे हैं, मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाती कि मैं कहाँ हूँ, मेरे पापा कहाँ हैं, पर मुझे ये अब बहुत अच्छे से पता है और मैं इस बात से डिनाई नहीं कर सकती कि उस दिन ऑपरेटिंग थिएटर में वो थे. यूजली 21 यूनिट्स लगती हैं ट्रांसप्लांट में, हमारे सर्जरी में जो मेरे और मेरे डैड की हुई सिर्फ 2 यूनिट लगी. 15 दिन तक डोनर को रखते हैं, मुझे 8वें दिन डिस्चार्ज कर दिया. 1 महीने तक रिसिपियंट को रखते हैं जिनको लिवर जाता है, मेरे पापा को 15 दिन में डिस्चार्ज कर दिया. मैंने इनसे बोला था कि मुझे सबसे पहले डुगरी आना है जैसे ही मैं ठीक हूँ. 1 महीने के अंदर जब मैं बैठने लगी, क्योंकि जमीन में बैठने में मेरे को बहुत दिक्कत होती थी, 1 महीने में इन्होंने मुझे डुगरी बुला लिया. मैं आई थिंक अब डुगरी 6-7 बार जा चुकी हूँ, जलंधर मंदिर जा चुकी हूँ. मैं किसी को बताती हूँ तो कहते हैं बस 5 महीने में इतनी बार उन्होंने तुम्हें डुगरी बुला लिया. और अभी लास्ट जब मैं गई थी तो लंदन से संगत आई हुई थी, उनके लिए डुगरी का मंदिर अगर आपको पता होगा वो सिर्फ फर्स्ट संडे को खुलता है हर महीने के, बट वो टेम्पल खोला गया स्पेशली लंदन संगत के लिए जिसमें 8 लोग आए हुए थे. और क्योंकि मैं उनसे यूके में मिली थी, उन्होंने बस मुझे ऐसे ही कहा कि हम लोग आ रहे हैं लंदन से, तुम क्यों नहीं चलती हो. एंड आप बिलीव नहीं करेंगे, जिस दिन वो मंदिर खोला सिर्फ 9 लोगों के लिए, मुझे मिला कि 9 लोग थे. उस दिन मेरे पापा का बर्थडे था. और मतलब मुझे सब कुछ ऐसा कोइंसिडेंस, पहले मुझे लगता था ये कोइंसिडेंस है कि गुरुजी बस, पर अब मुझे सब कुछ लगता है कि प्लान है. जैसे मैंने उन्हें उस दिन बोला कि सैटरडे को सत्संग होता है जम्मू में, मैं कैसे अटेंड करूँगी, आप बीच में नहीं करा सकते क्या. बस उसी दिन शाम में मेरे पास मैसेज आ गया और मैंने डेट देखी, तो मैंने पहले देखा 31st 24, तो मैंने कहा नहीं मैं नहीं अटेंड कर सकती. 21st जब मैंने देखा तो फिर मैंने, मुझे विश्वास हो गया कि ये चाहते हैं कि मैं आऊँ. दूसरा मतलब अब ये प्लेटफॉर्म है तो मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी कि अपने पापा के लिवर ट्रांसप्लांट के टाइम पे मुझे डॉक्टर्स ने बताया कि इंडिया में ऑर्गन डोनेशन नाम का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है. हम लोग पता नहीं क्यों डरते हैं, हम लोग नहीं साइन अप करते, हम कुछ रिलेट करते हैं कि अगले जन्म में हमारे पास वो ऑर्गन नहीं होगा. प्लीज़ आप लोग जैसे भी, प्लीज़ कम फॉरवर्ड, आप लोग अपने प्लीज़ ऑर्गन्स प्लेज करिए, बिकॉज आप अगर एक ऑर्गन भी किसी फैमिली को देते हैं तो बहुत फर्क पड़ता है. एक लिवर ट्रांसप्लांट इंडिया में बहुत एक्सपेंसिव है, 27-30 लाख रुपए, वो हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता. मतलब हम लोगों को भी सेविंग्स होनी पड़ी, बट बहुत ऐसी फैमिलीज हैं जो कि अफोर्ड ही नहीं कर पाती, जो कि देना चाहते हैं लिवर पर वो दे नहीं सकते क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल में होगा ही नहीं. तो प्लीज़ मतलब आप लोग एजुकेटेड हैं, आप प्लीज़ अपने बच्चों को भी एनकरेज करिए क्योंकि आप